नमस्कार। इस वक्त जीरे को लेकर बड़ी अपडेट है। जीरे के भाव में जबरदस्त उछाल आया है। ऊर्जा मंडी से भी महंगा बिक रहा है। मेहता मंडी का जीरा यानी 28,500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच चुका है। जोधपुर मंडी की बात करें तो जोधपुर मंडी में भी 27,111 और नागौर मंडी में 27,500 रुपये तक प्रति क्विंटल के हिसाब से जीरा बिक चुका है। इन दिनों देश भर के अनाज मंडियों के कारोबारियों के बीच मेहता मंडी के सुर्खियों में है। मेहता मंडी ऊर्जा मंडी गुजरात की मंडी को भी पीछे छोड़ दिया। मेहता मंडी जीरे के भाव अधिकतम 28,500 रुपए तक प्रति क्विंटल पहुंच गया, जबकि ऊर्जा मंडी में जीरे के भाव अधिकतम 27,600 रुपए ही पहुंच गया। वही मंडी जीरा व्यापारियों की माने तो या मेहता मंडी में जीरे के भाव करीब 500 रुपए की बढ़त देखने को मिली। मेहता मंडी के भाव 39 साल के बाद इतिहास में पहली बार हुआ कि जीरे के भाव इतना पहुंचा। जीरे के भाव में उछाल के साथ ही मंडी के 1000 यानी 1084 बोरी का व्यापार हुआ। इससे पहले मंगलवार को भी यहाँ जीरे के भाव अधिकतम 27,500 रुपये प्रति क्विंटल रहा और भावों में उछाल आने तक आवक भी बढ़ने लगी और आगामी दिनों के जीरे के भाव 30,000 रुपये प्रति क्विंटल पहुंचने की संभावना है। मंडी के व्यापारियों की माने तो वर्तमान में बाजार के माहौल को देखते हुए भाव बढ़ने की संभावना है। जीरे के भाव में देश में सबसे ज़्यादा तेजी मेहता मंडी में रही। यहाँ जीरे का भाव 28,500 रुपये प्रति क्विंटल से बिका, जबकि दूसरे नंबर पर गुजरात की ऊर्जा मंडी है और जहाँ जीरे का भाव अधिकतम 27,500 रुपये प्रति क्विंटल रहे। जोधपुर मंडी में भी जीरे का भाव 27,111 और नागौर मंडी में भी जीरे का भाव 27,500 रुपये तक प्रति क्विंटल रहे। इस बार जीरे की बुआई व उत्पादन कम हुआ और यूरोपीय कंट्रीज में भी जीरे की डिमांड बनी हुई है। ऐसे में भारतीय व विदेशी बाजारों में दोनों में जीरे की डिमांड बढ़ी है। नेशनल कमोडिटी एवं डिस्ट्रिक्ट और एक्सचेंज में तेजी की वजह से जीरे के भाव में उछाल का दौर लगातार जारी रहेगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाई जरूर अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है, जीरे का भाव और भी तेजी आ सकती है, जरूर अपनी राय दें। धन्यवाद।